मैं अक्सर ये सोचती थी कि जितनी भी हमारी नशे की चीज़ें हैं वो हम शिवलिंग पे क्यों चढ़ाते हैं, चाहे वो आपका धतूरा हो, भांग हो, हम जितनी भी क्यों चढ़ाते हैं। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कहते हुए जो नशा करते हैं, हम तो भोले के भक्त हैं इसलिए हम नशा कर रहे हैं, भले वो भोले के बारे में कुछ भी ना जानते हो। तो देखिए ऐसा है क्यों, आपका सबसे जो आपकी लाइफ में आपको विचलित करने वाली चीज़ है वो है आपका मन। मन पे काबू नहीं होता इंसान का, ठीक है। आप परेशान रहते हैं, आपकी लाइफ को एक तरीके से आपका मन चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, ठीक है। लेकिन नशे का क्या है, वो एक टाइम तक आप पे काम करेगा, 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, उसके बाद जब नशा आपका उतरेगा तो आप फिर उसी स्टेज पर होंगे। तो हम भोले को आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो हमारे शिव हैं वो इस संसार के सबसे बड़े योगी भी माने जाते हैं, इसलिए हम शिव पे ये सारी चीज़ें अर्पित करते हैं कि प्रभु आप ये सब रख लें, नशा आप रख लें, ध्यान हमें दे दें। क्योंकि आपके मन को शांत करने के लिए सिर्फ दो ही मार्ग हैं, या तो नशा या ध्यान। नशे से आप पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ध्यान के माध्यम से आप शिव जी को ये सारी चीज़ें अर्पित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये सब आप रखें, आप हमें ध्यान दें, आप हमें शांति दें, आप हमें संयम दें, ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हम ये जितनी भी नशीले पदार्थ हैं हम शिव जी को अर्पित करते हैं।